Tick one. Tick. Tick. Very good. सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो ये वीडियो है हाउ टू मेक योर पिटबुल फ्रेंडली। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, लाल वाला बटन है उसको दबा दो। मैं 3 पॉइंट बताऊंगा जिससे आप अपने पिटबुल को फ्रेंडली बना सकते हैं, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए एक अपने पिटबुल को बड़ा करने के अंदर। तो आपको सबसे पहले एक काम करना है, पहले ये इस वीडियो में देखो, इस वीडियो के जो अभी आप स्क्रीन पे वीडियो देखिए, इसके अंदर पिटबुल जो है वो अपने मालिक को भी हाथ में लगाने दे रहा है उसके खाने को। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है, जब भी आप उसको खाना दो तो उसको थोड़ा सा अपने हाथ से खिलाओ, ताकि वो आपको खाने आपको चोर ना समझे अपने खाने का। उनको ऐसा लगता है वो पजेसिव होते हैं अपने खाने के लिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा पोजेसिव ब्रीड है, अग्रेसिव नहीं है, ये ज्यादा पोजेसिव है और ज्यादा प्रोटेक्टिव ब्रीड है टुवर्ड्स जो इसका मालिक होता है। तो खाने के लिए काफी ज्यादा पोजेसिव होते हैं, तो आपको उसकी पोजेसिवनेस कम करनी है खाने को लेकर। तो जब भी वो खाना खाए तो आपको एक काम करना है, जब भी वो खाना खाए उसके बाउल के अंदर हाथ डाल देना है। पिटबुल है वो एक घर के अंदर एक सेफ प्लेस कॉर्नर एक ढूंढ लेगा, तो आपको मतलब वो उस कॉर्नर के अराउंड प्रोटेक्टिवनेस अपनी बताएगा। तो आपको ये काम करना है, उसको कभी भी वो कॉर्नर नहीं ढूंढने देना है, उसको अपने घर के सारे कोने दिखाइए, उसको ऐसा लगे कि ये पूरा घर मेरा है। ऐसा नहीं हो कि उसको लगे कि ये अपना कोना है, यहाँ पे कोई और आएगा तो उसके ऊपर अटैक कर देगा वो। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, आपको उसको अपने घर के जितने भी कोने हैं, जितना भी आपका घर है, उसको पूरे घर के अंदर उसको पावर देनी है कि वो घूम पाए। और जहां अगर आपका डॉग अगर ऐसा करने लगा है, जैसे उसने एक कोना बना लिया है, अगर आपने एक सेफ प्लेस ढूंढ लिया, तो ऐसा करें उसकी सेफ प्लेस बिल्कुल ना बनने दें, उसको ऐसा लगे कि आपके साथ वो है, पूरे घर का एक सदस्य है। तो उसको इतना प्यार दें कि वो पूरे घर में घूम पाए, उसको इतनी फ्रीनेस दें ताकि वो पूरे घर में घूम पाए, तो वो एकदम शाबाश एकदम अच्छा बच्चा बन जाएगा। आप भी कहोगे क्या यार पिटबुल को ऐसी बदनाम किया हुआ है। तो और ये वीडियो आपको उनको भेजना है जो कहते हैं कि पिटबुल काफी ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। तो देखो काफी ज्यादा अग्रेसिव तो नहीं होते हैं ये, मेरे ख्याल से बिल्कुल अग्रेसिव नहीं होते, ये काफी ज्यादा अच्छे हैं लोग, ना इनके बाल झड़ते हैं, ना इनसे लोग भी डरते हैं, मतलब ना आपके घर पे ऐसे मतलब काफी ज्यादा अच्छे डॉग होते हैं यार ये। लास्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इसको नो कमांड का मतलब बताओ। तो नो कमांड के लिए जैसे आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, जैसे एक ये बिस्कुट का पीस है, पीस ऑफ बिस्कुट है ये, तो आपको ये नो कमांड काफी ज्यादा सिखानी है। जब आपका पिटबुल समझ जाए कि अब नो हो गया, अब मालिक ने नो कह दिया है, तो रुकना है। तो ये वाली बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है, जैसे ये स्टॉप नो नो नो। अब देखो ये बिल्कुल भी नहीं खा रहा है, नो कमांड है ये। अब मैं अगर इसको ये कोई भी काम करता होगा और मैंने नो बोल दिया तो ये उसी वक्त रुक जाएगा, क्योंकि इसको मैंने ये गाइड दिया है कि नो पे इसको रुकना ही रुकना है। और अपने हाथ में कमांड रखनी है, इसको सिर पे भी चढ़ाना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सिर पे नाचने लग जाए, क्योंकि ये डॉग आपका यार, आपको इसको पेरेंट की तरह पालना है। तो मतलब ऐसा नहीं हो कि ये एकदम मतलब एकदम इसको कभी कभी एक दो थप्पड़ भी मार देने हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि प्यार ही करते रहें। इसको थोड़ा थप्पड़ भी मारना है, इसको आपको संभालना भी है। तो जैसे नो का मतलब होता है नो, तो इसको इतना समझाना है कि नो का मतलब नो। अब देखो इसने नो कर दिया, अब मैं इसको जैसे ही दूंगा यस वेट इजी। तो आपको ये नो, आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं, आपका पिटबुल एकदम फ्रेंडली की ओर बढ़ पड़ेगा। ये 3 पॉइंटों से ही आप पॉजिटिवनेस के कारण ही इसको थोड़ा अग्रेसिव की ओर दे देते हैं, ऐसे ये बिल्कुल अग्रेसिव नहीं है। और अग्रेसिव जो इनको कहते हैं, इनको ये वीडियो बोलो, उनको बताओ कि ये अग्रेसिव नहीं है, प्रोटेक्टिव है, पॉजिटिव है। अगर जिनको अगर आपको इसने एक बार प्यार करना स्टार्ट कर दिया, तो आप जैसे घर के अंदर ये एक के साथ इतना फेमिलियर हो जाएगा कि उसको दूसरा जो घर का मेंबर है उसको कोई कुछ नहीं कह पाएगा। जैसे कि अभी इस वीडियो में देखना, इसके अंदर मेरी मम्मी मेरे को ऐसे हमने एक प्रैंक किया था कि मेरी मामी ने कोई डंडा मार दिया, तो ये इतना पजेसिव है बिकॉज काफी अच्छे डॉग होते हैं, बिल्कुल अग्रेसिव नहीं होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपने अभी तक देखी तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और आपको ये बातें ध्यान रखनी है, सिट कमांडर फायर गए, और लास्ट में ट्रीट भी देना चाहिए अपने डॉग को, इतना अच्छा है ये।